देओल फैमिली के बीच की दूरियां एक बार फिर खुलकर सामने आ गई हैं। हेमा मालिनी की बर्थडे पार्टी में पूरा बॉलीवुड पहुंचा। सलमान खान से लेकर जया बच्चन, जैकी श्रॉफ, अनुपम खेर, रानी मुखर्जी, शिल्पा शेट्टी और रेखा सहित बड़ी बड़ी हस्तियां यहां आईं। लेकिन इस मौके पर ना सनी देओल आए और ना ही बॉबी देओल पहुंचे। देओल परिवार इस बात की कितनी भी दुहाई देता रहे कि धर्मेंद्र की दोनों बीवियों के परिवारों के बीच अब अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन हर मौके पर ये बात खुलकर सामने आ जाती है कि ये रिश्ते सिर्फ मीडिया को दिखाने के लिए हैं। अंदर आज भी देओल परिवार के बीच फूट पड़ी हुई है। हेमा के 75वें जन्मदिन पर शानदार जलसा पार्टी रखी गई। इस दौरान अच्छी महफिल सजाई गई, नाच गाना भी हुआ, लेकिन वहां मौजूद लोगों की निगाहें सनी और बॉबी को ढूंढती रहीं। पार्टी में हर तरफ इस बात की गॉसिप हो रही थी कि मुंबई में होने के बावजूद सनी और बॉबी 2 मिनट के लिए भी हेमा की बर्थडे पार्टी में नहीं आए। बॉलीवुड बबल ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि सनी और बॉबी काम में व्यस्त होने के चलते नहीं आ सके। हालांकि इस मौके पर सनी ने हेमा के लिए फूलों का गुलदस्ता जरूर भेजा है। इससे पहले सनी देओल के बेटे करण देओल की शादी और गदर 2 की सक्सेस पार्टी में सनी ने हेमा और उनके परिवार को नहीं बुलाया। तब भी यही कहा गया कि दोनों परिवारों के बीच रिश्ते तो अच्छे हैं, लेकिन काम होने की वजह से हेमा और उनकी दोनों बेटियां फंक्शन में नहीं आ सकी। दरअसल धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर हेमा को बिल्कुल नहीं पसंद करती। सनी और बॉबी अपनी मां की इस बात का सम्मान करते हुए दूरी बनाकर चलते हैं। हेमा ने पिछले दिनों एक इंटरव्यू में कहा था कि सनी और बॉबी हर साल राखी के मौके पर उनके घर आते हैं, लेकिन इस बात की वो पब्लिसिटी नहीं करते। हेमा की इस बात में उतना ही दम दिखा जितना कि इस बात में दिख रहा है कि काम में व्यस्त होने की वजह से सनी और बॉबी बर्थडे पार्टी में नहीं आ सके। ऐसा लगता है कि देओल परिवार को एक साथ देखने का सपना सपना बनकर ही रह जाएगा। हेलो चमुंडी, ब्यूरो रिपोर्ट, बॉलीवुड पे चर्चा।